गत दिनांक 20 नवंबर को पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज एवं श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज उत्तर पूर्व भारत के प्रवास पर हैं, जहां वे अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से असम के लोगों से मिल रहे हैं और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उत्तर पूर्व के विकास के लिए कार्यरत हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए स्वामी जी महाराज कोकराझार स्थित साइंस कॉलेज पहुँचे। कॉलेज की छात्राओं ने स्वामी जी महाराज का पुष्प माला से माल्यार्पण किया व तिलक लगाकर स्वागत किया। मंच पर स्वामी जी महाराज को अंगवस्त्र, उपहार व स्मृति चिन्ह दिया गया। कॉलेज की छात्राओं ने स्वामी जी के आगमन की खुशी में सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। स्वामी जी महाराज ने कॉलेज के छात्र छात्राओं को अपना मार्गदर्शन प्रदान किया। स्वामी जी आज खुद हमारे बीच में आए हैं, तो जिनको मैं बोल रहा हूँ, आज से 50 साल बाद हमारे छात्रों छात्री स्टूडेंट्स लोग जब बूढ़ा बूढ़ी होगा तो अब याद करेगा कि जो स्वामी रामदेव जी जिन्होंने इस देश को एक नया दिशा दिखाया और जिनके कारण 50 साल बाद ये देश बनने जा रहा है, इसका जो दाता है उसको मैंने मिला था, हमारे कॉलेज में आया था, ये बहुत बड़ी बात है। आज यहाँ पर जितना भी एजेड है, अगर महात्मा गांधी जी को एक बार भी मिला होता, एक बार भी देखा होता, तो ये एक इच्छा होता है महान लोगों को मिलने का। लेकिन आज हम प्री मेच्योर्ड ज्यादा हम मिल गया स्वामी जी को, तो ये हमारे लिए सौभाग्य है। आज यहाँ पर हमारे हम लोगों को एक मार्गदर्शन देने के लिए मैंने आमंत्रण किया था, आए हैं, और उन्होंने जो भी शब्द यहाँ पर कहेंगे, इस सारे शब्द को ठाकि हमारे सभी लोग याद रखे और आने वाले दिन में अपने जीवन में व्यवहार करें, इसको मैं अनुरोध रखता हूँ। और मैं स्वामी जी को दो सप्ताह हमारे स्टूडेंट्स और यहाँ शिक्षकों को कुछ बोलने के लिए अनुरोध करता हूँ। आज हम आपसे थोड़ी देर बात करने के लिए आए हैं। सबको हिंदी समझ में आता है ना? सीखने के लिए आए हो? साइंस पढ़ करके क्या करोगे? उस साइंस का अल्टीमेट यूटिलाइजेशन क्या है? तो एक यूटिलाइजेशन तो यह है कि आप साइंस पढ़ करके साइंटिस्ट बने, साइंटिस्ट बन करके नया कोई रिसर्च करें, न्यू इन्वेंशन करें, इन्वेंशन करें। तो एक तो ये लाभ है कि आपने साइंस पढ़ी और आप साइंटिस्ट बन गए। साइंस आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप साइंटिस्ट बने, साइंस आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप एग्रीकल्चर में काम करें तो साइंटिफिक एग्रीकल्चर करें, वैज्ञानिक कृषि करें। आप इंडस्ट्री में है तो आपको पता होना चाहिए कि मैं ये जो इंडस्ट्री चला रहा हूं इसमें साइंटिफिक वैल्यू एडिशन करूंगा तो मुझे इस इंडस्ट्री से ये ज्यादा बेनिफिट होगा, मुझे लो कॉस्ट कैसे लगा करके मुझे कैसे इनकम ज्यादा जनरेट कर सकता हूं, किस तरह से जो इस समय का लोगों का डिमांड है उसके अकॉर्डिंग मैं कोई प्रोडक्ट, किसी भी तरह का प्रोडक्ट बना रहा हूं, चाहे वो जो है सॉफ्टवेयर हो, वो हार्डवेयर हो, ऑटोमोबाइल हो, चाहे वो टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो फूड हो, कॉस्मेटिक हो, उसमें फूड और कॉस्मेटिक में आप साइंटिफिक क्या करेंगे? फूड और कॉस्मेटिक चलता है फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर पर। तो अच्छा फ्लेवर कहां से आता है, अच्छा फ्रेग्रेंस कैसे डेवलप कर सकते हैं, और अच्छा फ्रेग्रेंस होगा, अच्छा फ्लेवर होगा तो आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा। तो आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप अपने साइंस का इंपोर्ट इंडस्ट्री में करेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, लॉसेस कम होंगे, आपकी इंडस्ट्री अच्छे से चलेगी। आप साइंस का इस्तेमाल हर जगह है। आई एम ए साइंटिफिक सन्यासी, मैं एक वैज्ञानिक सन्यासी हूं, मैं अंधविश्वास नहीं मानता, शनि, केतु, राहु, भूत, प्रेत, पिशाच, ये वास्तु, ज्योतिष, भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर कोई पाखंड? आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो शनि, केतु, राहु के चक्कर में है? कोई नहीं बोलेगा। कोई कहते हैं मेरा शनि ठीक नहीं है, कोई कहता है मेरा केतु ठीक नहीं है,
और मैं इसलिए इस बात को पूछ रहा हूं, मैं छोटे छोटे स्कूलों से लेके कॉलेजों में जाता हूं और बच्चों से पूछता हूं तो पता लगा उस शनिवार के दिन स्टूडेंट वो शनि मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाने गए हुए। बोले अभी हमारा एग्जाम आने वाला है, हम सरसों का तेल चढ़ाएंगे तो मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे। सरसों तेल चढ़ाने से मार्क्स ज्यादा कैसे आ जाएंगे, पढ़ाई करो। तुम साइंस के स्टूडेंट हो, शनि कितनी दूर है धरती से, कितने लाख किलोमीटर है बताओ। आज तुम फंस गए हो। शनि मुझे इतना पता है कि वो लाखों किलोमीटर दूर है। तुम तो साइंस के भी स्टूडेंट हो, तुमको तो पता होना चाहिए धरती से इतना लाख किलोमीटर दूर है। पूरा कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। आप योग के बारे में मुझसे पूछो, मैं 100% बताऊंगा। साइंस के बारे में पूछो तो बेसिक साइंस बता दूंगा। एग्रीकल्चर के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, मुझे इकोनॉमिक्स के बारे में पूछोगे तो मैं आंकड़ों के साथ बता दूंगा। तो शनि जो धरती से लाखों किलोमीटर दूर है, क्या शनि किसी आदमी पर चढ़ सकता है, किसी बहन पर चढ़ सकता है, इस किसी पर भी स्त्री या पुरुष पर, मेल या फीमेल पर चढ़ेगा तो उसकी तो चटनी बन जाएगी। देखो, शनि आदमी पर नहीं चढ़ सकता, आदमी शनि पर चढ़ सकता है। अब मैं धरती पर चढ़ा हुआ हूं या धरती मेरे ऊपर चढ़ी हुई है? हम धरती पर हैं, धरती हम पर नहीं है। हम तो धरती का वजन ही नहीं उठा सकते, धरती से कई गुना बड़ा है शनि। तो बोले शनि मेरे ऊपर चढ़ गया, केतु चढ़ गया, राहु चढ़ गया, किसी पर तो तीनों चढ़ जाते हैं। 5 फीट का आदमी नहीं, औरत नहीं, इस पे तीनों चढ़ गए। और कौन बताते हैं? ज्योतिषी बताते हैं। तो आप साइंस के स्टूडेंट हो तो कभी भी जीवन में अंधविश्वास नहीं मानना, लेकिन मानते हो। साइंस के विद्यार्थी हो, कभी भी गलत बातों में विश्वास से बताओ। हमारा सबका शरीर, इसके अंदर 5 एलिमेंट्स एक जैसे डिफरेंट है। इन अवर बॉडी द 5 एलिमेंट्स आर इक्वल और डिफरेंट। 5 एलिमेंट्स आर एवरीवेयर इक्वल, द डिफरेंस ओनली जेनेटिक। एयर, वाटर, फायर, एवरीथिंग इज इक्वल एवरीवेयर। हमारा जो बॉडी भी फॉर्म हुआ है, इसमें प्रोटीन है बेसिक स्ट्रक्चर में, कुछ उसमें न्यूट्रिशियंस है, माइक्रो न्यूट्रिशियंस है, वो सब के अंदर एक एक जीन के स्ट्रक्चर से लेकर के जीन्स, क्रोमोजोम्स और डीएनए में भी माइनर डिफरेंस है। 99% वी आर ऑल इक्वल, अवर बॉडी इज इक्वल, अवर सोल इज सुपर सोल, दैट्स कॉल्ड ब्रह्मा इज इक्वल एवरीवेयर। तो सब कुछ एक जैसा है तो तुम क्या बोलते हो? ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये महान है, ये छोटा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है। साइंस के स्टूडेंट हो तो किसी को भी ऊंचा नीचा मानना, वी आर इक्वल एंड वी आर वन, द फिलॉसफी ऑफ वननेस, इस पर भरोसा करते हो तुम लोग? तो अभी तो करते हो, साइंस पढ़ रहे हो, जब वोट देने जाते हो तब भी मानते हो? जब 18 ईयर्स के हो जाओगे तब भी इस बात को मानना कि तुम एक हो। क्या बोला तुम? एक है, ये साइंस है। मैं स्पिरिचुअलिटी में भी साइंस को पहले रखता हूं। तो हमारा बॉडी ये अपने आप चलता है, इसको कोई चलाता है? अच्छा मेरे से बताओ, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारी आईज, तुम्हारे ईयर्स, तुम्हारा हार्ट, तुम्हारा लीवर, तुम्हारी अपने आप काम करती है, तुम चला रहे हो? अपने आप काम करते हैं कि तुम चलाते हो? इसको बोलते हैं, साइंस में 2 चीजें होती हैं, एक होता वॉलेंट्री सिस्टम, एक होता ऑटोनॉमिक सिस्टम। तो तुम्हारी बॉडी वॉलेंट्री सिस्टम से चल रही है या ऑटोनॉमिक से चल रही है? ऑटोनॉमिक 99% करता है, वॉलेंट्री तो 1% काम करता है। तुमको थोड़ा सा तुम चेष्टा करते हो, बाकी लीवर फंक्शन तुम नहीं चला रहे, हार्ट फंक्शन, ब्रेन का फंक्शन, स्किन के अंदर फंक्शन हो रहे हैं, बोन्स में फंक्शन हो रहे हैं, मसल्स में फंक्शन हो रहे हैं, ब्लड पूरी बॉडी में घूम रहा है, ये तुम कर रहे हो? ये ऑटोमेटिक चल रहा है। ये ऑटोमेटिक कैसे चलता है? ये एक डिसिप्लिन में चल रहा है या और ऐसे इनडिसिप्लिन वे में सब कुछ चल रहा है? डिसिप्लिन में सब कुछ चल रहा है। तो ये सबको चलाने वाला कौन है?
इस बॉडी को कौन चला रहा है, ब्रेन को कौन चला रहा है? बोले तो बाबा जी आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहे हो आप। हमारे सुपर इस ब्रेन के पीछे भी एक सुपर ब्रेन है एंड दैट्स कॉल्ड ऑलमाइटी गॉड ब्रह्मा। तो इसको चलाने वाला, शरीर को चलाने वाला एक अनविजिबल पावर है, उसको सोल बोलते हैं। उसके ऊपर भी सुपर सोल, उसी को ब्रह्म बोलते हैं। और वही इधर बोडोलैंड में ब्रह्म धर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो व्हाट इज द ब्रह्म धर्म? दिस इज द साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ ब्रह्म धर्म। आप लोग ब्रह्म धर्म बोलते रहते हो, आपसे पूछे तो आप बोल नहीं पाते। तो मैंने आपको ब्रह्म धर्म का डेफिनेशन समझाया साइंटिफिक वे में। ऐसे साइंस के स्टूडेंट को हर बात को सोचना चाहिए। मैंने बेसिकली संस्कृत और व्याकरण, ग्रामर, वेदा शास्त्र, योगा शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र पढ़ा, लेकिन मैं हर बात को साइंटिफिकली सोचता हूं। इसलिए सारे सन्यासियों जैसा स्वामी रामदेव नहीं है। सब सन्यासी बैठ करके पूजा कर रहे हैं, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। मैं दूसरों के संकट दूर करता, मैं खाली बैठ करके पूजा पाठ आरती करने वाला बाबा जी सन्यासी नहीं हूं। मैं योग करता हूं, कर्मयोग करता हूं, और इस देश को मैं अज्ञान से और गरीबी से मुक्त देखना चाहता हूं, ऐसा सन्यासी। और आपके बीच में अब अगली बात करता हूं। ये तो मैंने कुछ साइंटिफिक बातें की आपके बीच में। वैसे तो आदमी को हर बात साइंटिफिक करनी चाहिए, हमारी हर बात साइंटिफिक होनी चाहिए, यूनिवर्सल होनी चाहिए और सेक्युलर होनी चाहिए। सेक्युलर का मतलब धर्म निरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष। धर्म इज एवरीवेयर। हवा का धर्म है बहना चलना, अभी से आपको चल रही है हवा, जैसे मैं बोल रहा हूं ये वाणी का धर्म है, ये माइक बोल रहा है तो ये इसका धर्म है। पानी का धर्म है, मिट्टी का धर्म है, जो भी दाना डालो उसको मल्टीप्लाई कर देती है। तो जो उसका जो बेसिक उसकी जो नेचर है, द बेसिक नेचर इज धर्म। खैर ये तो बहुत ज्यादा लंबी बात हो जाएगी, अब अगली बात करता हूं। आप अभी साइंस कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपको इतना ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए कि आप इस दुनिया में कुछ बड़ा काम कर सके। यू हैव अनलिमिटेड नॉलेज इन योर ब्रेन। सबके पास भगवान ने एक ही जैसा दिमाग दिया है कि नहीं? जो मेरे अंदर दिमाग है वही तुम्हारे इस खोपड़ी के अंदर है। हमारे और आपके दिमाग में कोई अंतर? लेडीज और जेंट्स के भी दिमाग में कोई अंतर? दो ही दिमाग होते। तो एक हमारा है राइट ब्रेन, दूसरा है हमारा लेफ्ट ब्रेन। तो हमारे भीतर ब्रेन होते हैं दो, हमारे भीतर किडनी होती है दो, हमारे भीतर लंग होते हैं दो, हमारे भीतर लीवर होता है। किसी के दो तो नहीं लगे? हमारे भीतर कान दो है कि एक है? और नाक? अरे एक के अंदर दो नहीं है क्या बाप? देखो तुम उलझ गए। साइंस, हर बात को साइंटिफिकली सोचना। मैं ऐसे ही सोचता हूं, इसलिए मैं दूसरे सन्यासियों से अलग हूं, कुछ कर पाया, क्योंकि मैं हर बात को कैसे सोचता हूं? साइंटिफिकली। इसलिए साइंस पढ़ना सबके लिए जरूरी है, कंपलसरी है। आपने साइंस को नहीं पढ़ा तो आप किसी भी चीज को ठीक से इवेल्युएट नहीं कर सकते। ए मेरे दाढ़ी में उसे कैसे आ गए? तुम्हारे क्यों नहीं आए अभी तक? तो फीमेल है तो क्यों नहीं आए? हार्मोन का कुछ। हाँ तो ठीक उत्तर दिया, चलो इसके लिए ताली बजा दो। ये डिफरेंस जो है इनको क्यों नहीं आता? क्योंकि इनको वो हार्मोन नहीं है जो ये दाढ़ी लाता है। यदि इनको आ जाएगा तो इनको भी आ जाएगी। बहुत से लेडीज को आ जाती है, उनमें वो हार्मोन आ गया जो जेंट्स में होता है, तो दाढ़ी आ गई। अब जैसे मेरे मसल्स हैं ये ऐसे दिखेंगे, लेडीज को नहीं दिखते क्योंकि उनको वो हार्मोन्स नहीं जो मसल्स को ऐसे एक शेप देते हैं, उसको ज्यादा नहीं होते, थोड़े होते हैं। खैर हर बात को साइंटिफिकली सोचना। अभी हम धरती पर ऐसे 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 चलते, उड़ते क्यों नहीं है? तो ये ग्रेविटी का फिलॉसफी पढ़ा है ना आपने, पूरा साइंस पढ़ा है ना।
हर चीज का एक हेतु होता है, हम चलते क्यों, हम उड़ने क्यों पाते पंछियों की तरह, हर चीज को ऐसे समझना ये साइंस है। ये तो नॉर्मल साइंस हुआ, अब आगे लाइफ साइंस से भी आगे ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस है। अब आप कहेंगे पॉलिटिक्स में कौन सी साइंस आ गई, उसको बोलते पॉलिटिकल साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, सोशल साइंस, एवरीथिंग इज साइंस, विदाउट साइंस कोई चीज कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। तो साइंस पढ़ के आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन अगली बात याद रखो बच्चों, आपको सक्सेस होना है तो साइंस तो एक पार्ट अदा करता है। जरूरी नहीं कि साइंस पढ़ करके आप साइंटिस्ट बने, जरूरी नहीं कि साइंस पढ़ करके आप टीचर लेक्चरर प्रोफेसर बने, ये तो उसका एक उसका बेनिफिट है, हर जगह आपको साइंस काम आएगी। तो आपको यदि सक्सेस होना है तो जीवन में तीन मंत्र देता हूं, आपको सक्सेस होना है तो सबसे पहले चाहिए आपको हेल्दी बॉडी। यदि आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है तो आप जिंदगी में कुछ विदाउट हेल्थ विदाउट गुड हेल्थ यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन योर लाइफ। आपको आपको सक्सेस होना है तो सबसे चाहिए आपको हेल्दी बॉडी, दूसरा चाहिए शार्प ब्रेन, दूसरा क्या चाहिए बोलो। यदि ब्रेन शार्प नहीं है तो बुद्धू कहलाओगे, फिसड्डी कहलाओगे, पप्पू कहलाओगे, लोग चिढ़ाएंगे आपको। आपका शार्प ब्रेन होना चाहिए, इमीडिएटली सॉल्यूशन आना चाहिए आपके दिमाग के अंदर, नया क्रिएशन आना चाहिए आपके। और देखो इसके बिना लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे बच्चों, इसलिए मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं सक्सेस के लिए चाहिए आपको हेल्दी बॉडी शार्प। लेकिन कुछ लोगों के पास ब्रेन भी होता है, आइडियाज भी होते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो एग्जीक्यूशन हार्ड वर्क, विदाउट हार्ड वर्क विदाउट एग्जीक्यूशन आज सारी चीजें परफॉर्मेंस पर ही मापी जाती है। बोले ये प्रधानमंत्री मोदी जी अच्छा परफॉर्मर है, ये एमएलए ये एमपी ये सीएम ये अच्छा परफॉर्मर है, ये हगरामा जी अच्छे परफॉर्मर है, इनको ही हमको बीटीसी में आगे चुनना है। क्यों? यदि कोई परफॉर्मर नहीं होगा, एग्जीक्यूशन नहीं करेगा, हार्ड वर्क नहीं करेगा, तो लाइफ में कभी भी किसी भी फील्ड में पॉलिटिक्स से लेकर के एग्रीकल्चर से लेकर के एजुकेशन से लेकर के साइंस से लेकर के किसी भी फील्ड में वो सक्सेस नहीं हो सकता। इसलिए मैंने आप मेरी बात को गंभीरता से सुने, और सुने ही नहीं उसको अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करें, इसलिए मैं आया हूं। आपको सक्सेस बनना है लाइफ में, और सक्सेस बनने के लिए सक्सेस पाने के लिए किसी दूसरे को गिराना नहीं, अपने आप को उठाना है। और उसके लिए तुम्हारे भीतर परमात्मा ने असीम क्षमता दी है, आपको भगवान ने कोई भी बचा के नहीं रखा। देखो विदाउट एनी बैरियर, बिना किसी अवरोध के, बिना किसी भेदभाव और पक्षपात के भगवान ने सबको समान रूप से बोलो सोचने की देखने की सुनने की बोलने की करने की ताकत दी है कि नहीं। सबके भीतर एक ही जैसी है, चाहे प्रेसिडेंट है, पीएम है, सीएम है, एमएलए है, एमपी है, बिजनेसमैन है, मेरे जैसे सन्यासी, हम सबके पास वी हैव इक्वल पावर, इक्वल नॉलेज, इक्वल स्ट्रेंथ। लेकिन जब सबके पास इक्वल है तो कुछ लोग कामयाब होते हैं और कुछ लोग कामयाब क्यों नहीं होते, इसका उत्तर दो। अभी आपसे पूछा मैंने, हमारे पास जब सब कुछ इक्वल है, वी हैव इक्वल नॉलेज, इक्वल इमोशंस, आपको कोई सम्मान दे तो रेस्पेक्ट आपका करे तो अच्छा लगता है कि खराब? अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है, सबको भीतर एक ही जैसे इमोशन है, सबको प्रेम करे तो अच्छा लगता है ना, सबको अपमान करे तो बुरा लगता है। वी हैव इक्वल नॉलेज, वी हैव इक्वल इमोशंस, हमारे पास तीन ही शक्ति है, वन इज नॉलेज, सेकेंड एंड इमोशन, एंड थर्ड इज एक्शन। हमारे पास ये तीनों शक्तियां सबके पास एक जैसी है या नहीं बोलो। फिर ये तीनों शक्तियां एक जैसी होते हुए ये सब अपने नॉलेज का, अपने इमोशंस का और अपने एक्शंस को राइट वे में ड्राइव क्यों नहीं कर पाते, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? चलो आप बताओ। अब ये साइंस से अगली बात आ गई ह्यूमन साइंस की। अब सबके पास ये शक्ति तो है, मैं थोड़ा इंटरेक्टिव होता हूं तो थोड़ा तुम्हारा कंसंट्रेशन आता है, नहीं तो पता लगा प्रेजेंट बॉडी अब्सेंट माइंड,
कहीं के कहीं तुम घूमते रहते हो, तुम यहां रह करके सोचो, इसलिए मैं तुम्हारे पास तक गया। तो जब सबके पास सब कुछ है, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि भगवान ने हमें सब कुछ दे रखा है, फिर हम गरीब क्यों हैं? फिर हम दुखी क्यों हैं? फिर हम असफल क्यों हैं? बताओ, व्हाट इज द रीजन? बोलो बच्चा, खड़े हो, कुछ बोल रहा था कोई बेटा खड़ा होके। ये सबके पास सब कुछ है तो फिर ये आदमी जीवन में इक्वल नॉलेज, इक्वल इमोशंस, इक्वल एक्शन, इक्वल स्ट्रेंथ, सो आदमी, सब लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? बाधा क्या है? व्हाट इज द रीजन? कारण क्या है? बोलो। है बेटा, तो बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं, जैसे कि हमें स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे कि नशा का प्रॉब्लम, ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है, इसलिए हम भटक जाते हैं रास्ते से। चलो, एक बताया प्रॉब्लम, इसने खड़ा होकर बोलने की हिम्मत पीछे की बात की है, चलो ताली बजाओ इसके लिए। इसने एक प्रॉब्लम बताया कि बहुत से यंगस्टर्स ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, तो फिर वो अलग ही दुनिया में जीने लगते हैं, उनको ऐसा लगता है मुंह में रजनीगंधा तो कदमों में धन दुनिया। तो वो मुंह में रजनीगंधा डाला, पता लगा कदमों की दुनिया खिसक गई। तो एक एक उत्तर दिया कि हम नशे आदि में पड़ जाते हैं तो हमारी शक्तियां उनको हम भूल जाते हैं। दूसरा, हाँ ठीक उत्तर दिया है किसी ने बीच में, आलस्य, आलस्य प्रमाद, ये बहुत बड़ी बाधा है। सुबह उठने से लेकर के 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक 18 घंटा कोई भी कभी भी आलस्य नहीं करना। लेकिन हम तो उठने में भी आलस्य करते हैं, हम तो एक्सरसाइज में भी आलस्य करते हैं, हम तो बच्चे तो खाने में भी आलस्य करते हैं, और हम तो पढ़ने में भी आलस्य करते हैं। और शायद रामानंद जी तो ठीक होंगे, बहुत से टीचर पढ़ाने में भी आलस्य करते हैं। अच्छा, पढ़ने वाली बात आई तो ताली नहीं बजाई, पढ़ाने वाली दूसरे की कमी बताओ तो खुशी होती है। सुनो, ये सबकी कमी है, सबसे बड़ी कमी है आलस्य। सबसे बड़ी कमी क्या है बोलो? आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपोः। आलस्य प्रमाद, प्रमादो मृत्युः। बोलो, प्रमादो मृत्युः। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपोः। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ी बाधा हमारे जीवन की आलस्य है। तो आज सब बच्चे संकल्प लेके जाएंगे, कुछ तो कॉलेज के बच्चे, कुछ छोटे वाले हैं, ये 10वीं से पहले वाले हैं क्या? या सारे कॉलेज वाले तो नहीं लग रहे ना, छोटे वाले भी हैं, ये छोटे वाले भी हैं कुछ सामने। चलो, आज से सारे छोटे बच्चे और साइंस कॉलेज के बड़े बच्चे संकल्प लेके जाएंगे, हम जीवन में कभी आलस्य प्रमाद। कुछ तो इसको बोलने में भी दिक्कत हो रही है कि ये कमिटमेंट हम दे देंगे तो फिर हमारे आलस्य का क्या होगा? ये कमिटमेंट दे दिया तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, घर का काम करना पड़ेगा, खेत में भी काम करना पड़ेगा। यदि जिसके जैसा, मैं 18 घंटा काम करता हूं, कितनी देर, लेकिन मेरे ऊपर कोई बॉस या सुपर बॉस नहीं है, मुझे कहीं से कोई सैलरी पानी नहीं है, मेरा कोई पैकेज नहीं है, मेरा कोई प्लान भी नहीं है कि मुझे यूं इसलिए करना है, मैं इसलिए करता हूं। आज तक सूर्य ने कभी किसी से पूछा कि मैं रोज उगता हूं, इतनी एनर्जी, अक्षय ऊर्जा, और सारी ऊर्जा खत्म हो सकती है, तेल खत्म हो सकता है, कोल खत्म हो सकता है, लेकिन सूर्य की ऊर्जा कभी खत्म होने वाली? अच्छा, ये अपना डेली काम करता है कि नहीं करता सूर्य? ये पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं कि नहीं देते? बदले में कुछ लेते? कभी किसी ने पेमेंट का बिल भेजा कि मैंने इतनी ऑक्सीजन दे दी, लाओ? तो सारी सृष्टि जब अपना काम कर रही है तो मुझे भी अपना काम
करना है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बोडोलैंड के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए, अपनी मदरलैंड के लिए। बोलो, इस बात को तो सब एग्री है ना? तो अब इस बार तुम्हारा सबका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, क्योंकि तुम आलस से नहीं करोगे तो तुम पढ़ाई में नंबर वन होगे। और अपने आप को अपने अपने टारगेट पर फोकस करना। अब क्या होता है, अब पढ़ाई का टाइम है और इधर उधर देखते रहते हैं, आगे पीछे देखते रहते हैं, लड़का लड़की को और लड़की लड़के को देखती रहती है। अरे जब शादी होगी तब एक से कर लेना, कि शादी से पहले चोरा चोरी क्यों करते हो? शादी से पहले तो एक दूसरे को देखते हैं वो बेईमान लोग हैं। क्यों देखा भाई किसी को? किसी की तरफ से गलत निगाहों से नहीं देखना, इधर उधर कभी किसी से आंखें नहीं लड़ाना और दिल तो बिल्कुल नहीं लगाना। भाई जब तुम्हारा ये काम नहीं है अभी, तुम पढ़ाई करो अपनी, जब शादी का टाइम आएगा तब एक बार शादी करा लेना, एक बार। ये नहीं कि फिर दोबारा तिबारा हो रही है, पहले वाली को छोड़ दिया, तलाक तलाक तलाक, ऐसा थोड़ी होता है। जो काम जब करना है तब करना, बचपन का काम बचपन में, जवानी का काम जवाने में, बुढ़ापे का काम बुढ़ापे में, पढ़ाई का काम पढ़ाई के समय, बिजनेस का काम बिजनेस के समय, घर का काम घर के समय, सब अपने आप को। एक काम तो आलस्य प्रमाद, दूसरा फोकस नहीं कर पाते। और इसी का पार्ट है कमिटमेंट नहीं होता। जैसे मेरा कमिटमेंट है, मुझे कभी भी असफल नहीं होना और उसके लिए मुझे किसी का नुकसान नहीं करना। लेकिन मुझे भगवान ने जब इतनी शक्तियां दी हैं तो मैं असफल क्यों बनूं? मुझसे लोग बोलते हैं, बाबा जी आप इतना काम क्यों कर सकते हो? मैंने कहा मुझे भगवान ने सोचने के लिए दिमाग दिया हुआ है, मेरे भीतर अनलिमिटेड नॉलेज है, अनलिमिटेड इमोशंस हैं, मेरे भीतर एक ज्ञानवान मस्तिष्क है, एक भावनाशील हृदय है, कर्मशील मेरी भुजाएं हैं, तो मैं क्या इनको सबको ताला बंद करके रख दूं? मैं इसलिए काम करता हूं कि मुझे भगवान ने जो दिया है उसको कई गुना इस देश को और दुनिया को दे करके जाना है, इसलिए मैं काम करता हूं। 18 घंटा काम करना मेरी हॉबी हो गई है, दिस इज माई नेचर, दिस इज माई हॉबी, दिस इज माई लाइफ, मैंने ऐसे ही अपने आप को बना लिया है। तो रामानंद जी अब इन बच्चों की ऐसी आदत बनाइए कि 18 घंटा मेहनत करें। अभी आदत बन गई तो फिर यही तुम्हारी हॉबी बन जाएगी, नेचर बन जाएगी, और तभी तुम जिंदगी में कामयाब हो पाओगे। तो मैं चाहता हूं 18 घंटा काम करना तुम्हारा स्वभाव बन जाए, और ये जिम्मेदारी आपको देके जा रहा हूं। तो आपको ऐसा बनना है ना, 18 घंटा पढ़ाई के समय पढ़ाई करने की आदत, घर में माता पिता का सहयोग करने की आदत, सुबह जल्दी उठने की, आपको 6 घंटे से ज्यादा सोना, 6 घंटा सोने के लिए बहुत होता है, कुछ तो रात को 10 बजे सो के सुबह 10 बजे जागते हैं। हे मेरे भगवान, ये कहां रावण और कुंभकर्ण के वंशज आ गए? नहीं, 6 घंटे से ज्यादा सोना नहीं। तो आज बहुत कुछ मैंने बताया है, लास्ट ये 2 आपके लिए, 18 घंटा काम करने की, मेहनत करने की, वर्क करने की, पढ़ाई करने की आदत डालनी। 18 घंटे में प्रायोरिटीज क्या होंगी आपकी? 18 घंटे में अलग अलग तरह की प्रायोरिटी होंगी। सुबह प्रायोरिटी एक्सरसाइज योग करने की, फिर कॉलेज में पढ़ने की, कॉलेज से आके फिर होमवर्क करने की, आपकी प्रायोरिटी ये होने, प्रायोरिटीज आप तय कर लेना। 18 घंटे काम करना है उसमें प्रायोरिटीज तय कर लेना। ऐसा नहीं कि 3-3 घंटे तो वो देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, ये पहले तो कभी कभी मिलती थी, आजकल यूट्यूब पे जाके देखने लगते हैं, आजकल जाकर के कहीं पर भी बहुत से इसके साधन बन गए। मैंने आज तक जिंदगी में कभी पिक्चर नहीं देखी,
पिक्चर में तुम्हें क्या देखते हो? फाल तुम्हें किसी के लटके झटके देते हो, झूठी बीबी, झूठे मियां, झूठा बच्चे, वो कोई रियल पत्नी नहीं होती है, रियल वाइफ, रियल हस्बैंड, रियल मदर, रियल फादर नहीं होता, सब झूठा सौदा। बताओ, उसको देखते रहते हो। मैंने कभी नहीं देखा, मैं सच बोलता हूं आपको, मैं कभी किसी टीवी के एक्टर एक्ट्रेस को नहीं जानता था। वो अलग बात है कि अभी सभी आके मेरे से मिलते हैं। तुम दूसरों को ताका झांकी मत करना, तुम दूसरों को देखने में अपना वक्त जाया नहीं करना, तुम ऐसे बनकर के दिखाना कि सारी दुनिया तुम्हें देखे, ऐसा करके दिखाओ। फालतू के कामों में लगे रहते हैं, यूट्यूब खोल करके बैठ जाते हैं, गूगल खोल करके बैठ जाते हैं, अपना फेस ठीक नहीं है, फेसबुक खोल करके बैठ गए। जिसको देखो फेसबुक पर लगे हुए, व्हाट्सएप पर लगे हुए, आजकल इंस्टाग्राम पर लगे हुए, यूट्यूब पर लगे हुए, गूगल में लगे हुए। मैं भी इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर हूं, लेकिन मैं उसमें बहुत ज्यादा अपना वक्त नहीं लगाता। एक पोस्ट कर दी, जो मैं कर रहा हूं उसमें डाल दिया, बात खत्म। मेरे 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर हैं सोशल मीडिया में, और तुमको फेसबुक पर भी फॉलो करना है तो मुझे फॉलो कर लेना। कुछ अच्छी बात सुनोगे, अच्छी बात पढ़ोगे, अच्छे काम देखोगे। फालतू के बकवास लोगों को फॉलो करते रहते हैं। अपनी प्रायोरिटी तय करना, फर्स्ट 18 घंटे काम करना, अपनी प्रायोरिटी तय करना, और आज का काम आज करना, कल पर नहीं छोड़ना। तो ये बात याद रहेगी, आप में से बच्चे अच्छे बनकर के निकलेंगे, धीरे धीरे आपका करैक्टर बिल्डअप होता है। ये लाइफ, ये बहुत बड़ा शब्द है, जीवन अनंत है, लाइफ इज अनलिमिटेड, जीवन अनादि है, अनंत है, असीम है। हमारे भीतर परमात्मा ने इतना सामर्थ्य दिया है, हम उसको कहीं भूल जाते हैं। ये याद दिलाने के लिए मैं आज आया हूं। आप बच्चों से मिलके बहुत अच्छा लगा, मुझे लगता है आप में से कुछ बच्चों ने भी मेरी बात को ध्यान से सुना और इसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जिया। तो बोडो लैंड, ये भारत का सबसे श्रेष्ठ, सबसे सुंदर, सबसे समृद्ध स्थान होगा, यह अपेक्षा मैं आपसे करता हूं। बोडोलैंड को स्वस्थ, सुंदर, समृद्ध, वैभवशाली, इसको बनाने के लिए कोई विदेशी कंपनियां नहीं आएंगी, कोई सीएम नहीं आएगा, कोई पीएम नहीं आएगा। इस बोडोलैंड को बनाने का काम किसको करना है? आपको करना है। ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर, आप कर सकते हो। जब मैं छोटे से गांव से उठ करके मैंने नेशन बिल्डिंग का, पूरे देश को बनाने का संकल्प लिया हुआ है और मैं बनाऊंगा। मेरे भारत में आज यदि 100 करोड़ लोगों में से 100 बड़े लोग इस देश को बनाने में लगे हैं, उन 100 में से जो 10 लगे, उन 10 में से जो 5 लगे, उनमें से एक स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण हैं। जब मैं 100 लोग जो देश को आगे बढ़ाने बनाने में लगे, उसमें से जब स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की गिनती होती है, जबकि हम एक आम परिवार में, सामान्य परिवार में, गरीब परिवार में पैदा होकर के आए हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हो। बस इसके लिए आपको वापस वही कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आप सब इसके लिए तैयार हैं? तो आपको मेरी बहुत बधाई है। और जैसा विश्वजीत जी ने कहा, जब 10-20 साल बाद हम आपसे मिलें, तब मैं आपको बहुत कामयाब इंसान के रूप में देखूं और ये पाऊं, तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा कि मैंने कहीं विचार के बीज डाले तो आज वो बड़े हो गए हैं। सर, कौन कौन ऐसे लड़के या लड़कियां होते हैं छोटे समय से जो सोचते हैं कि मेरा एम इन लाइफ ये है? वो तो सोचते हैं कि पढ़ाई करेंगे, हो जाएगा, कुछ तो बन जाएंगे ना। तो ऐसे करके तो सभी बोलते हैं ना, पढ़ाई करेंगे, हो जाएगा। लेकिन
कुछ कुछ तो लड़के ऐसे भी होते हैं जो क्रिकेटर्स, धोनी, धोनी ने तो कभी भी नहीं समझा तो वो पढ़ाई करेगा तो और अच्छा। सुनो, उसने बल्ला चलाने में बहुत हार्ड वर्क किया, तो डिफरेंट तरह का हार्ड वर्क है। आप किस फील्ड में हार्ड वर्क कर रहे हो तो एक बात सुन लो, ये ना बच्चे आपस में सुनी सुनाई बात करते रहते हैं कि हार्ड वर्क तो सब करते हैं, सब कामयाब कहां होते हैं। मैं कहता हूं ये बात झूठी है। जो हार्ड वर्क जिस फील्ड में करता है उसमें अवश्य कामयाब होता है। अब पढ़ाई में आप हार्ड वर्क करेंगे तो किसी का थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है आईक्यू लेवल, मेमोरी तो थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा। तो पढ़ाई में हार्ड वर्क करेगा तो पढ़ाई में कामयाब होगा। पढ़ाई के बाद फिर आपका कैरियर स्टार्ट होता है। आप सेल्स में हैं, मैन्युफैक्चरिंग में हैं, एग्रीकल्चर में हैं, इंडस्ट्री में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, जहां भी होंगे। अब मोदी जी ने हार्ड वर्क किया, पहले वो सोशल फील्ड में गया, फिर पॉलिटिक्स में आ गया, हार्ड वर्क करता रहा करता रहा करता रहा। कुछ कामयाबी आपको एक साल में मिल जाएगी, पढ़ाई वाली कामयाबी, पढ़ाई में मार्क्स कितने दिन में आ जाएंगे, एक साल में। एग्रीकल्चर में कामयाबी कितने साल में मिल जाएगी, एक साल में। खेती, आपको डिफरेंट फील्ड में कामयाबी सक्सेस के लिए टाइम पीरियड होता है, उतने टाइम के बाद आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी जिस सेक्टर में आप हार्डवर्क कर रहे हो। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन।